और दिल्ली में आज पीएम मोदी करेंगे रायसीना डायलॉग का उद्घाटन। 3 दिन चलने वाले इस डायलॉग में 100 सेशंस होंगे, 90 देशों के विदेश मंत्री और पूर्व पीएम शामिल होंगे। रायसीना डायलॉग में कई रूस यूक्रेन जंग को लेकर चर्चाएं भी होंगी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की चुनौतियों पर भी बातचीत होगी और वाशिंगटन और बर्लिन में भी होंगे रायसीना डायलॉग के सेशंस। रायसीना डायलॉग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं रायसीना डायलॉग टॉप 9। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का आज से नई दिल्ली में आगाज होने जा रहा है। ये सम्मेलन 27 अप्रैल तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6 बजे सम्मेलन के 7वें एडिशन का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष वुर्सुला वार डेन लियन इस डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगी। आज से 3 दिन तक चलने वाले रायसीना डायलॉग में 100 सेशन होंगे, जिसमें 90 देशों के 210 से ज्यादा स्पीकर शामिल होंगे। सम्मेलन में कई देशों के कई पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य शख्सियत वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। हर साल आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मुद्दों पर चर्चा होती है। इस बार के रायसीना डायलॉग में ईयू प्रेसिडेंट के अलावा नॉर्वे, पुर्तगाल, नीदरलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, स्लोवेनिया, आर्मेनिया, गुयाना और नाइजीरिया के विदेश मंत्री शामिल होंगे। इनके अलावा मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा स्पीकर मोहम्मद नशीद, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एबॉट, स्वीडन के पूर्व पीएम कार्ल ब्लिट, बांग्लादेश और ईरान के उप विदेश मंत्री समेत अमेरिका, यूरोप और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के रक्षा विशेषज्ञ भी होंगे। आज से होने जा रहे रायसीना डायलॉग में विदेशी हस्तियों के अलावा भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और कई कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इनके अलावा आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े भी शामिल होंगे। नरवड़े रक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन समारोह के साथ ही रायसीना डायलॉग के अलग अलग सेशन में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 3 दिन चलने वाले सम्मेलन में चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक, कूटनीतिक, पर्यावरण और सुरक्षा को लेकर कई मुद्दे रखे गए हैं। इसमें भारत बांग्लादेश संबंधों को पड़ोसी देशों के रोल मॉडल के तौर पर रखा गया है। रायसीना डायलॉग में रूस यूक्रेन में भारी जंग पर मंथन और शांति की पहल पर खास चर्चा हो सकती है। दुनिया भर की नजरें भारत पर हैं। दुनिया के कई देशों को भरोसा है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने में अहम रोल अदा कर सकता है। भारत ही वो देश है जो रूस, अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों से बात कर परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया को विनाश से बचा सकता है। रायसीना डायलॉग में भू राजनीतिक मामलों में अफगान संकट, इन्फॉर्मेशन वॉर, यूरोप की रणनीति, यूक्रेन का मौजूदा संकट से लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संभावित चुनौतियों पर विशेषज्ञ खुलकर अपनी राय रखेंगे और सभी क्षेत्रों में शांति कैसे रखी जाए इस पर भी चर्चा करेंगे। इस बार के रायसीना डायलॉग की खासियत ये है कि नई दिल्ली के साथ ही वाशिंगटन और बर्लिन में भी इसी तरह के दूसरे आयोजन किए जाएंगे, जो रायसीना डायलॉग की बढ़ती अहमियत और स्वीकृति को साबित करता है। इस डायलॉग पर दुनिया के साथ साथ यूएन, विश्व बैंक, आईएमएफ जैसे संस्थानों की भी नजर रहती है। रायसीना डायलॉग का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलकर करते हैं। पिछले 7 सालों में रायसीना डायलॉग का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बढ़ा है। साल 2018 में रायसीना डायलॉग में क्वाड देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने को लेकर काफी चर्चा हुई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।